रहा हूँ इजी कैम कैमरा, इसे बोलते हैं इजी कैम। डिट टू सेम रहेगा आपका, इसका मॉडल है आपका E21, ये सीपी प्लस कंपनी का है, ठीक है। और यहाँ से आप मॉडल देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें मैं खोलता हूँ थोड़ा डब्बा इसका, तो एज इट इज कैमरा आपका रहेगा। इसमें आपका जो बटन्स है ये, इसमें अडप्टर रहता है और वायर होता है। मैंने खोला नहीं है एक्चुअली ये चीज़ें, ये मैंने निकाल के, ये वायर, ये जो देख रहे हैं वायर, ये वाला आपका वायर है और अडप्टर रहता है साथ में, ठीक है। साथ में आपका ये कैमरा रहेगा, ये मैंने कैमरा खोल दिया, ठीक है। और उसके साथ इसमें मैंने पावर दिया, ये 5 वोल्ट का बैटरी साथ में ही आता है, केबल और इसका अडैप्टर दोनों, ठीक है। ये आपका इसमें, ये देखिए दोनों ऑप्शन है इसमें, या तो वाईफाई से कैमरा चला लीजिए आप, या फिर आप लैंड पोर्ट से, ठीक है। दोनों ऑप्शन आपके पास है एज इट इज, जैसे आप चाहते हैं, जैसा आपको फैसिलिटी मिलता है, ठीक है। दूसरी चीज, इसका एक एप्लीकेशन आता है, ठीक है, ये इजी कैम के नाम से आपका एप्लीकेशन, ये जो देख रहे हैं आप इजी कैम, ये वाला आपका इजी कैम है, ये इजी कैम प्लस, ये मत यूज कीजिएगा, ये भी, ये पुराना वाला मॉडल के लिए, ये नया वाला मॉडल है, ये जितना अभी जो मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ ये इजी कैम प्लस पर है, ठीक है। इसको आपको ओपन करना है, पावर आपको दे देना है, ठीक है। एक बार मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ये डिवाइसेस को एक बार, ठीक है। अब करना क्या है आपको, कि अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं, ठीक है, अगर आपके पास लैन केबल हो, ठीक है, मैं लैन केबल से भी करके दिखा दूंगा, वाईफाई से भी करके दिखा दूंगा। फिलहाल मैं आपको लैन केबल से करके दिखा देता हूं आपको, या फिर आप वाईफाई से, मैं वाईफाई से कर देता हूं। यहां दिखा, इसको आपको प्लस पे जाना है आपको, ठीक है। एक चीज मैं बताना भूल गया आपको, सॉरी, इसको एक बार जब आप उसको ओपन कीजिएगा तो ये देखिए रिसेट बटन है, ठीक है ना, इसको रिसेट जरूर कर दीजिएगा एक बार, ठीक है, ये आपका रिसेट बटन है, ठीक है। इससे क्या होगा कि मान लीजिए अगर आपने परचेस, ये ठीक है, ये आपको जरूर बोलेगा। अब आपको इसको ऐड करना है, आपको ये प्लस का सिंबल देख रहे हैं आप, या यहां प्लस का सिंबल है, क्लिक कीजिएगा। इसमें से 6 मॉडल है, अभी मेरे पास एक ही मॉडल आया है, ठीक है। तो ये आपका CPE21 जो मैंने बताया था आपका, ये देखिए आपका, ठीक है, ये मैंने मॉडल सिलेक्शन किया, टोटल 6 मॉडल है हमारे पास, ये मॉडल जितना सेम आ गया आपको। नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रहा है सर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे या तो आप अदर मोड पे जाइएगा आप, तो अदर मोड पे आपको देखिए 3 ऑप्शन देगा आपको, वायरलेस यानी वाईफाई, ये वायर्ड जो मैंने लैंड केबल के थ्रू ठीक किया हुआ है, एक है स्मार्ट पैक कॉन्फ़िगरेशन, सारा कुछ कॉन्फ़िगरेशन वाईफाई वगैरह के हिसाब से कर देते हैं फिक्स के लिए। मैं अभी फिलहाल वायर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने वायर्ड सिलेक्शन किया है, इसको मैं लैंड केबल लगा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप किया, ये कनेक्टिंग होगा, क्या लिखा, द सेलेक्टेड डिवाइस इज एडेड कनेक्ट, डिवाइस इज रेडी टू कनेक्ट लिख दिया यहां पर, ये देखिए कनेक्ट का ऑप्शन दबाएगा, ये वेट कीजिएगा 100% होते ही कनेक्ट हो जाएगा। ये देखिए जैसे ही 100% हो गया, यहां लिख दिया क्या, डिवाइस एडेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब इसको जब डन करेंगे आप, तो ये ऐसा आपका सामने खुल करके आ जाएगा, ये चीज, ये देखिए, ठीक है। अब इसको आप चाहते हैं कि अप एंड डाउन करें, अप एंड डाउन करें, इसको जिधर करना है उधर घुमाइए, ठीक है। अगर आप पैन टिल्ट करना है, जूम इन जूम आउट करना है आपको, ये सारा कुछ फैसिलिटी आपको देगा, ठीक है सर। ये है आपका इजी कैम, और बहुत बढ़िया इसका रिस्पांस है, मैंने खुद टेस्टेड किया है, ट्राई भी किया है, बहुत इजीली जो है आपका ये काम करने लगता है,
उसको अगर आप बड़ा करना चाहते हैं, ये आपका बड़ा हो गया आपका, ये टोटली अप टू यू है कि आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। ये तो आपका वायर्ड का हो गया। अगर आपको वायरलेस का करना है तो प्रोसीजर आपका बिल्कुल सेम है, बस ये लैन केबल नहीं निकले लगेगा आपका, ठीक है। ठीक है, आपका जिस वाईफाई से करना है, आपका मोबाइल और आपका ये कैमरा को सेम नेटवर्क में होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, आपका सही। अब मैं क्या कर रहा हूँ सर, वाईफाई से कर रहा हूँ, सेम प्रोसेसेस किया है मैंने, कुछ नहीं किया। ये प्लस का सिंबल जैसे मैंने दिखाया आपको, ये प्लस का सिंबल करना है आपको, जो मॉडल, जो भी मॉडल है आपका है, ठीक है, मॉडल आप सिलेक्शन कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करना है, अदर मोड पे जाने की ज़रूरत है तो आप वायरलेस कर लीजिए, वायर क्यूआर स्कैन वो कर लीजिए, नेक्स्ट स्टेप कीजिए और सेटिंग में जाइए। इसको सिर्फ ये लोकेशन आपको ऑन करने के लिए बोलेगा, ठीक है। बैक आ जाइए, ये देखिए बाबा कह रहा है वेटिंग फॉर वाईफाई कनेक्शन। आपका जो भी वाईफाई है, जो भी आपका वाईफाई है, वो आपको मैं वाईफाई डाल दीजिए, ठीक है। अब ये देखिए आपको सामने ये क्या कह रहा है, सामने आपको मोबाइल पर रखना है कंटिन्यू कर करके, ठीक है। ये जो क्यूआर कोड है आपको मोबाइल पे ऐसे रखना है आपको, ये करीब करीब 15 से 20 इंचेस के दूरी पर रख करके आपको, और होल्ड करना है 1 से 1.5 मिनट के टाइम के बीच में। ये हॉट का एक आवाज आएगा, फ्लिक का आवाज आएगा आपका, डेट मीन्स कि ये कनेक्टेड हो गया, ठीक है। देख लीजिए, अब ये हॉट का आवाज आया, अब ये मोबाइल बोला वाईफाई कनेक्टिंग प्लीज वेट। सो हम वेट करें, ये देखिए सर, जब ये मैंने बताया था आपको लुकिंग वाला ये कनेक्शन, ये देखिए 100% हो गया आपका, डिवाइड एड्रेस सक्सेसफुली, ठीक है। ये मैं अभी वाईफाई से कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं किया ना, ठीक है। ये वीडियो वेट के लीजिए, ये आपका वीडियो चलना शुरू हो गया। ये आपको इस तरह से, ठीक है, लाइट यहाँ रखिएगा, कोशिश कीजिएगा यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हो इस तरह से, ठीक है, और इतना डिस्टेंस होना चाहिए, और होल्ड कीजिएगा 1 से 2 मिनट के बीच में। ये ऑटोमेटिक कनेक्टिंग 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 वाईफाई कनेक्टिंग वाईफाई कनेक्टिंग करते करते ये लिख देगा वाईफाई कनेक्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। और उसके बाद सेम जैसे मैंने आपको बताया, आप जिधर घुमाना चाहते हैं आप वो चीजें कर सकते हैं आप इधर, ठीक है। उसके बाद इसका फंक्शन क्या है, स्पीक अगर करना है आपको, बोलना है आप बोलिए, टू वे कम्युनिकेशन हो सकता है। हेलो, ये देखिए आवाज आ रहा है, हेलो। अब आपको मोबाइल पे सुनना है आपको, तो आप कर सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि स्क्रीनशॉट मिले, ये मैं बंद कर दिया अभी, आवाज ज्यादा आ रहा था, ठीक है। स्क्रीनशॉट चाहते हैं, पॉसिबल है इसमें, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट फोटो गैलरी में आपका सेव हो जाएगा, ठीक है। प्लेबैक चाहते हैं, एसडी कार्ड नहीं लगा हुआ है तो प्लेबैक भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे आपके फंक्शंस हैं। अलार्म अगर चाहते हैं आप, तो ये मोशन डिटेक्ट, जब भी आप घर पे रहें ना रहें कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये एडेड है आप देख रहे हैं, और कोई भी बंदा इस कैमरे के सामने अगर आता है, अगर मोशन हुआ, ठीक है, तो आपके पास मैसेजेस भी अलार्म के तौर पर आपको एक ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है सर। तो ये था आपका दो प्रोसेस, मैंने लैन के भी थ्रू किया और वाईफाई के भी थ्रू किया। तो आपको जो बेहतर लगे आप उस तरह से आप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है सर, थैंक यू।